हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में डायलर। आप अपने फोन में डायलर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में थ्री डॉट का। आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक इनेबल करना चाहती हैं तो आपको कॉल ब्लॉक पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद भी यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम अनोन नंबर। जिसके आपको अनोन नंबर की कॉल ब्लॉक करना है तो यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। आपके फ़ोन में अनोन नंबर की कॉल ब्लॉक इनेबल हो जाएगी। अगर आप किसी पर्सन नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके आपको नंबर सेलेक्ट करके आप अपने फ़ोन में कोई भी नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में नंबर ब्लॉक करेंगे। यहाँ से आपको ब्लॉक करने के बाद में आप यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको कॉलर LTE स्पेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसे ऑन कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकॉर्ड कॉल्स। आपको रिकॉर्ड कॉल्स पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने फ़ोन में ऑप्शन देखने को मिलता है। फ़ोन में आपको सो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, तो इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स, तो इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में इस प्रकार अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको बैक हो जाना। बैक होने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में कॉल बैकग्राउंड। आपको कॉल बैकग्राउंड पे अपने फ़ोन में यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सिलेक्ट करके, जैसे कि आप अपने फ़ोन में ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको फ़ोन में जब कॉल आएगी तो इस प्रकार का बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से अपने फ़ोन में ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करने के बाद में बैक हो जाना। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में, यहाँ से आपको कॉल आफ्टर एंड रिंगटोन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सारे ऑप्शनों को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में रिंगटोन का। आपको रिंगटोन पे क्लिक करेंगे, सिम वन पे सिलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ से कोई भी रिंगटोन ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फोन में रिंगटोन चेंज करेंगे तो आप अपने फ़ोन में यहाँ से रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में, यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन ऑन ऑफ करना है आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ से ऑन करने के बाद में बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में आंसरिंग कॉल, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार अपने फ़ोन में ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ से रेड कॉल से नेम से यहाँ से आपको आंसरिंग कॉल्स पे यहाँ से आपको ऑप्शनों को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में आप यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में, यहाँ से आपको मैसेज पे क्लिक कर लेना। मैसेज पे क्लिक करने के बाद में इसके आपके फ़ोन में कॉल आ रही है और आप उठ नहीं पाए तो आप फ्री होने के बाद में यहाँ से कोई भी मैसेज ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करके कोई भी मैसेज ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी रखना है आप यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ से आपको बैक हो जाना है। इस प्रकार आपने फ़ोन में यहाँ से कोई मैसेज ट्राई करके सेव कर सकते हो तो आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देख यहाँ से आप बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में कॉल डिस्प्ले, आपको कॉल डिस्प्ले पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में जैसे कि आपने फ़ोन में कॉल डिस्प्ले पर सेलेक्ट करना चाहते हैं फुल स्क्रीन स्मॉल या मिनी, तो आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में कॉल डिस्प्ले पे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वाईफाई, आप यहाँ से वाईफाई के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में वॉइस मेल, आपको वॉइस मेल पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में आप जिस नंबर पर अपने फ़ोन में वॉइस मेल ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से वॉइस पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी नंबर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से अपने फ़ोन में कोई भी नंबर सेलेक्ट करके अपने फ़ोन में वॉइस मेल ऐड करेंगे। यहाँ से आपको बैक हो जाना। बैक होने के बाद भी यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में सप्लीमेंट्री सर्विस, तो आपको सप्लीमेंट्री सर्विस पे क्लिक कर लेना। सप्लीमेंट्री सर्विस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसके अपने फ़ोन में यहाँ से अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड इनेबल करना चाहते हैं या कॉल वेटिंग, तो यहाँ से आपको सारा ऑप्शन देखने को मिलता है कॉल फॉरवर्ड, कॉल वेटिंग, कॉल वेटिंग। तो आप अपने फ़ोन में जैसे कि आपको कॉल फॉरवर्ड इनेबल करना है तो आपको यहाँ से वॉइस पे क्लिक करके आप रीडिंग सेटिंग के बाद में कॉल फॉरवर्ड इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक हो जाना। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में कॉल वेटिंग, तो आपको कॉल वेटिंग इनेबल करना है तो आप यहाँ से कॉल वेटिंग भी इनेबल कर सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग इनेबल करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में अदर कॉल सेटिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो जैसे कि आपके फ़ोन में ऑफ हो तो आप इसको सारे ऑप्शनों को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में आप यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में यहाँ से आप लोग ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से आपको परमिशन पे क्लिक करके आप यहाँ से परमिशन अलाउ कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक हो जाना।
ब्रेक होने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन, यहाँ से आपको सेलेक्ट करके आपको फ़ोन पे क्लिक करके यहाँ से आपको इस प्रकार आपको कॉन्टैक्ट उस पर क्लिक करके आप यहाँ से कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करें, जिस प्रकार आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग इनेबल करेंगे। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, नेक्स्ट टेक केयर।